देखिए, राजकोट गुजरात पुलिस के द्वारा हमको ये सूचना मिली कि उनके यहाँ तुषार नामक एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने उनको सेक्सटॉर्शन करके लगभग 80 लाख रुपए की ठगी करी है। सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने अपनी टीमें बना दी, जिसमें साइबर सेल और नंदग्राम थाने की फोर्स थी। इसी सूचना के फलस्वरूप हम लोगों ने एक सेक्स रैकेट पकड़ा है, जो कि लोगों से स्ट्रिप चैट नामक एक वेबसाइट पे जो रजिस्टर करते थे उनसे पहले स्ट्रिप चैट पे बात करते थे, इसके एवज़ में उन्हें स्ट्रिप चैट से कुछ पैसे मिला करते थे। उसके बाद जब इनको लगता था कि ये मुनाफा ये बढ़ा लें, तो जो लड़कियां इनके यहाँ काम करती थी वो लोग अपना पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दिया करती थी इनको, और उसके बाद व्हाट्सएप पे चैट करने के बहाने उनको उनकी न्यूड वीडियो बना लिया करती थी, और उसके बाद उनको सेक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे की उगाही करा करती थी। कितने लोगों को सर ये अब तक अपना निशाना बना चुके हैं, कितने केसेस का खुलासा हुआ है, इनके अकाउंट से कितना पैसा बरामद हुआ है? देखिए, ये कृत योगेश गौतम नामक व्यक्ति एवं उनकी वाइफ सपना गौतम, ये गैंग की सरगना थी, इनके साथ 3 लड़कियां और गिरफ्तार हुई हैं। ये लोग 2 साल से काम कर रहे थे। इन लोगों ने कई सौ लोगों को इसका शिकार बनाया है, और मौके से इनके पास से 8 बैंक अकाउंट हमको मिले हैं, जिसमें कि 4 बैंक अकाउंट की सूचना हमारे पास आ गई है। बाकी 4 अकाउंट की जो सूचना हमको आई है उसमें लगभग 3,80,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। सभी अकाउंट पुलिस ने फ्रीज करा दिए हैं, और बाकी अकाउंट्स की डिटेल हम जल्दी पता करके आगे कार्रवाई करेंगे। सर, 5 फोन का सिम यूज़ करते थे, किन किन नाम पे अलॉट थे? देखिए, सिम की अभी हम ड्यूरिंग विवेचना इसकी जानकारी लेंगे। इनके पास से हम लोग को लैपटॉप्स मिले हैं, पैन कार्ड मिले हैं, इनके पास से कुछ सेक्स टॉयज़ मिले हैं, विमेन अंडर गारमेंट्स मिले हैं, कुछ संभवतः चांदी धातु के कुछ आभूषण मिले हैं, कुछ कैश बरामद हुआ है, और आगे की जो भी कार्रवाई है दौरान विवेचना हम लोग करेंगे। ये लड़के लगातार के 2 साल से काम कर रहे थे, जो 4-5 हाँ, ये 2 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें जो सरगना 2 साल से काम कर रहे हैं, बाकी जो 3 लड़कियां हैं, एक सहानी गेट की रहने वाली, 2 कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली, ये अभी 3 महीने से इनके यहाँ काम कर रही थी। अगर ये खाली ऑडियो कॉल करती हैं तो इनको 5 से 10 हज़ार रुपये का वेतन देते हैं, और अगर ये वीडियो कॉल करती हैं तो इनको 25 हज़ार रुपये का दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। और गहनता से जब पूछताछ करी तो पता लगा सपना गौतम नाम की जो महिला है, जो गैंग की सरगना है, इनकी 2 साल पहले एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति से दोस्ती हुई थी, जिसका नाम सनी था, जिसने इनको इस तरीके से एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का आइडिया दिया था, और उसके बाद से ये दोनों हस्बैंड वाइफ ये गैंग चला रहे हैं। सर, अभी आप ये भी बता रहे थे जो पहले लड़कियां इनके साथ काम करती थी वो कहीं और इस तरीके से काम करने लगी, क्या उन पर भी जांच बैठी? हाँ बिल्कुल, उनकी भी इस तरीके से शिनाख्त करी जाएगी, कौन है और कहाँ है, जाकि बाकी जितने बैंक अकाउंट्स हैं इन सबको हम इनकी मनी ट्रेल निकालेंगे कि पैसा कहाँ से आया, किन खाता धारकों से आया है, उनसे हम पूछताछ करेंगे। उसमें अगर कोई FIR है तो उसकी आगे कार्रवाई होगी। लोगों ने अगर FIR नहीं लिखवाए हैं लोक लज्जा के उससे, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इसमें FIR लिखवा के आगे की हम कार्रवाई करेंगे। गुजरात वाले सबसे